खरगोन जिले में आज कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार पर किसानों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। कांग्रेस विधायकों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधा है। हाल में अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद हुई है, जिसका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कटी हुई राशि किसानों को बीमे का लाभ मिलना चाहिए। कांग्रेसी विधायक का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये अफवाह लगातार फैलाने में लगे हुए हैं। किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ है, पर यह दावा बिल्कुल गलत है और किसानों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। आंदोलन के दौरान खरगोन विधायक रवि जोशी, जिला अध्यक्ष झुमा सोलंकी, विधायक केदार डावर सहित कांग्रेस पदाधिकारी पूना शंकर ठाकुर ने धरना प्रदर्शन में किसानों को संबोधित किया। इस दौरान आभार शिव तिवारी ने माना। जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ADML कनेल को ज्ञापन देकर किसानों की फसल बीमा लाभ दिए जाने की मांग की है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। कि भारतीय जनता पार्टी सहयोग नहीं कर रही है, केंद्र की सरकार कांग्रेस को सहयोग नहीं कर रही है। क्या लगता है कि प्रदेश की इस वक्त जनता काफी परेशान है अतिवृष्टि से, ऐसे समय में प्रदेश को किस तरीके से सहयोग दिया जा सकता है? देखिए, आज प्रदेश में, मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार है, आज आरोप नहीं लगा रही है। ये आरोप नहीं, ये सच्चाई हम विगत 3 महीनों से जनता के बीच में, आप पत्रकार बंधुओं के बीच में लाते रहे। आज हमने पूरे प्रदेश में प्रेस वार्ता करके भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा जनता के सामने आपके माध्यम से लाने का प्रयास किया है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि BJP के 28 सांसद जो लोकसभा में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, मध्य प्रदेश से कैसे सौतेलापन, मध्य प्रदेश की जनता के साथ में कैसे सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का हक का पैसा नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी रोक के बैठे हुए हैं, चाहे वो सेंट्रल रोड फंड में 600 करोड़ हो, राष्ट्रीय पेयजल योजना में 700 करोड़ हो, अन्य योजनाओं में कुछ 7000 करोड़ मध्य प्रदेश का रोक दिया गया है, जिसका विवरण मैंने अपनी प्रेस वार्ता में दे चुका हूँ। मध्य प्रदेश के बजट में 2600 करोड़ की कटौती कर दी गई है। क्यों सौतेलापन मध्य प्रदेश की जनता से साथ किया जा रहा है? क्या उन्होंने शिवराज सिंह को हटा के कमलनाथ को चुन लिया, इसलिए किया जा रहा है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंका और कांग्रेस की सरकार प्रदेश में ला दी, इसलिए किया जा रहा है? पूर्व में भी कांग्रेस की सरकार रही, मनमोहन सिंह जी की 10 साल सरकार रही, हमने कभी भेदभावपूर्ण रवैया नहीं रहा। हमारे केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश से कमलनाथ जी रहे, गुड़िया जी रहे, सिंधिया जी रहे। मध्य प्रदेश की जनता को हमने उसी आंखों से देखा जिन आंखों का देखना चाहिए एक अपने प्रदेश की जनता को, और उसका ध्यान रखना चाहिए। ये सौतेलेपन को लेकर हमसे आप सबके बीच में डांटा रखा है कि ये चीज़ें आप जनता के बीच में ले जाएं कि मध्य प्रदेश के साथ में किस तरह का धोखा शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, थावरचंद गहलोत, राकेश सिंह, भारतीय जनता पार्टी का एक एक मध्य प्रदेश का नेता कर रहा है, जो नरेंद्र मोदी जी के पास एक बार भी नहीं गया है कि हमारे हक का पैसा तो हमको दे दीजिए, हमारे लिए आपदा प्रबंधन से पैसा दे दीजिए, आज हमारे यहाँ 150 फीसदी बरसात हो गई है। ये सवाल हम आप सबके सामने रखें। शिवराज सिंह चौहान ने नई शराब नीति के विरोध में कहा है कि इस शराब नीति को बंद किया जाए, अन्यथा मैं बोलते हैं आंदोलन करूंगा। देखिए, शिवराज सिंह चौहान साहब का झूठ हर बयान में बार बार सामने आ रहा है। अरे, शराब बंदी की बात करने वाले मैनिफेस्टो में 10 साल तक शराब की दुकानों की संख्या बढ़ा दी जिन्होंने, वो शराब बंदी पे बात करेंगे? गोडसे को मानने वाले गांधी के विचारों की बात करेंगे? ये सोचिए, शिवराज सिंह चौहान साहब कब तक झूठ बोलेंगे? आपके ये बयानों का ही परिणाम है कि झाबुआ की जनता ने 28,000 से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हरा दिया, कमलनाथ के 9 माह के कार्यकाल को आपके 13 साल के कार्यकाल के ऊपर चुना, आपको नकार दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी और मध्य प्रदेश की जनता के द्वारा। झाबुआ चुनाव को लेकर तो आरोप लगाए हैं कि प्रदेश में सरकार होते रहते इन्होंने हम लोगों के मतलब प्रेशर बना के और सरकार बनाई है वहाँ पे जो जिताया जाता है। देखिए, जिसको जो बोलना है बोलते रहे, जनादेश का सम्मान ना करना भारतीय जनता पार्टी की पुरानी नीति है। जनता के आदेश का अपमान करते आए हैं, जनता का अपमान करते आए हैं। अगर झाबुआ की जनता का भी अपमान कर रहे हैं तो मैं इससे आगे कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये जनता हमारे सर आंखों पे है, झाबुआ की जनता ने जो जनादेश दिया है, हमारा सिर झुका के कमलनाथ जी ने वादा किया है, और ये 5 साल बताएगा कि अगला छिंदवाड़ा झाबुआ बनता है कि नहीं बनता है। प्रदेश में पिछली सीट को लेकर अभी भी राजनीति करवाई हुई है, क्या लगता है किसका नाम सामने आने वाला है? सोनिया जी का नाम भी चल रहा है। देखिए, ये फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी को लेना है, हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को लेना है। सही समय पे जब जरूरत होगी, सोनिया जी को लगेगा ये सही समय, उस समय फैसला ले लिया जाएगा। और हमारे हम लोग तो इतना आशीर्वाद है हमें इतने बड़े नेताओं का कि हमारे पास बड़े नेताओं की इतनी कतार संख्या लगी हुई है कि कोई भी बन सकता है प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष। मेरे को तो ज्यादा चिंता राकेश सिंह जी की है, वो 2 विधायक उनके खिलाफ मुंह से बोलने लगे हैं झाबुआ चुनाव के बाद। आप भारतीय जनता पार्टी से पूछे कि उनके पास शायद नेता भी है कि नहीं प्रदेश संभालने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल।